थैंक यू। बताइए इस बार क्या नया देखने को मिलेगा लोगों को? बताइए। इस बार फर्स्ट सीजन में यू हैड सीन नैना और रोहन की कहानी, इस बार नैना तो है लेकिन रोहन है या नहीं ये थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि रोहन वॉज डेड और इस बार इनकी शक्ल में फ्लैशबैक है या कोई और है या फिर रोहन ही है या स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है आप ये देखें। और यही मेनी ऑप्शंस एंड आप बहुत सारे थॉट लेकर आ सकते हैं और फिर आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है आपके चेहरे पे स्माइल्स होंगी और आप कहेंगे ओ। और ये स्टोरी पहले वाली स्टोरी से एक लेवल ऊपर है। ओके सीजन 2 के पे बात करें, जब सीजन 1 किया था तब लगा था कि मतलब इस इतना प्यार लोग देंगे सीजन 1 को कि हमें सीजन 2 पे आना पड़ेगा। वी वर फीलिंग द लव ऑन सेट, मतलब मैं आपको ये बात तो कहूंगा कि जब हम वो बना रहे थे ना मजा बहुत आ रहा था। किसी को नहीं पता होता कि एक प्रोजेक्ट की किस्मत क्या है, हर प्रोजेक्ट की एक कहानी होती है, एक 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 रिजल्ट होता है उसका, लेकिन वो हमने सोचा नहीं और बहुत मजा आया बनाने में। और मैं ऑनेस्टली कहूँ कि जब मैं शॉर्ट फिल्म मैं सोचता था कि क्योंकि आई हैव डन टेलीविजन एंड आई हैव डन रियलिटी एंड ऑल दैट, बट मुझे पता नहीं था कि बिकॉज शॉर्ट फिल्म इज अ वेरी बड़ा एक 25 मिनट के अंदर आपको बड़ी कन्विंसिंग स्टोरी लानी होती है जहाँ ऑडियंस लास्ट तक हुक्ड रहे। और आजकल ज़माना जहाँ एक एक मिनट की वीडियो का है, 30 सेकंड वीडियो है, 15 सेकंड रील्स का है, वहाँ किसी को 28 मिनट बिठा कर रखना और उनको समझाना तो वो एक था। पर हमारे रास्तों में देखिए ब्लाइंड लव आई और बिल्कुल जो हमें सूट कर रही थी और हमें मज़ा आया वो करने में, वो हुआ हमारे साथ। See, I would say the same, क्योंकि Blind Love 2 बनाने में भी बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत एफर्ट डाला है और साथ में काम करने में हमें बहुत मज़ा आया एज नैना और रोहन भी एंड एज नैना एंड whosoever he is that way also and you know it is all made of love, pure love for all the guys जिन्होंने इसे बहुत प्यार दिया है। आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा और यू नेवर नो यू नो इसके बाद अगर और कोई 3 पार्ट आ जाए तो यू नेवर नो। हमारी तरफ से भी हमने वही कोशिश की है कि जो स्टोरी हमने आपको पार्ट 1 में दिखाई है उससे एक लेवल ऊपर, उसे थोड़ी ज्यादा बेहतर और ज्यादा इंटरेस्टिंग और लवेबल हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएं। सर दैट्स द चैलेंज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर राइट एंड ऑल्सो व्हेन आई वुड से दिस नॉट बिकॉज आई वांट टू फ्लॉन्ट दिस बट वी आर नेशनल टेलीविजन एक्टर्स वी देयर इज अ लॉट ऑफ things on stake if you are not prepared we have not done our homework we should be sitting home not kisi ke paise par hum aisa hit and trial or experiment nahi kar sakte we are performing right so, and we make sure hamari shoot और हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे डायरेक्टर को जो चीज़ें चाहिए जो स्केड्यूल हो वो कंप्लीट हो, हमारे प्रोड्यूसर्स का अनवांटेड पैसा ना लगे एंड वी मेक अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो वी द ओनली थिंग वी कैन डू इज पुट आर एफर्ट्स। और रात को जब 5 मिनट आप चैन से सोते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है आज मैं जो कुछ मैक्स आउट कर सकता था मैंने कर दिया है, दिस इज ऑल आई कुड गिव, आई कुड बी देयर, आई डिड माई लाइन्स प्रॉपरली, आई थिंक देयर वाज अ गुड केमिस्ट्री, द डायरेक्टर गॉट हिज शॉट, इट्स अच्छा हो गया है आज का डायरेक्टर का सब कुछ। सो देयर इज दिस लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एज एन एक्टर वी हैव व्हेन वी पुट 100% इनटू इट एंड प्लस यू नो इट इज आल्सो एज एन एक्टर अगर आप किसी चीज में 100% डालते हो यू आर सो पॉजिटिव अबाउट दैट प्रोजेक्ट एंड थिंग it actually shows when people love it and you get that positive feedback as well and this is what happened with that like we've not been eating food on the shoots up we were all we missed our lunches we missed our sleep मतलब आप उस वक्त नहीं सोचते और ये सब चीजें तो जब हम आज आप लोगों के साथ यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता लग रहा है, लेकिन उस वक्त तो हमने अपनी तरफ से 100% दिया है तो फिर कोई शिकायत नहीं, बेसिकली वी जस्ट एंजॉयड इट। या ओके ब्लाइंड लव की अगर बात करें तो कितना बिलीव करते हैं आप दोनों, या कभी हुआ है? इन्हें हुआ है, मैंने भी सुना है इन्हें हुआ है बचपन में। हाँ मुझे बचपन में हुआ, फिर वो चली गई देश छोड़कर, इनका ब्लाइंड लव अधूरा रह गया मेरा तो अधूरा, पता नहीं यार आज तक बट होता तो है, कोई और मिली कि व्हाट डू यू थिंक, नहीं फिर वो तुम्हें कैसे कि नहीं ना फिर मैं काम कर रहा हूँ नायगांव में है नहीं ना कोई, आई एम शूटिंग इन नायगांव सो देयर इज नोबडी इन नायगांव सो बट ठीक है यहाँ आसपास भी नहीं मिली कोई।
नहीं मैं नायगांव में हूँ ना, मैंने तुम्हें बोला नहीं 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 मिली नहीं But the world is running on love, right? The money is not so running on hate. So now I have not encountered anything like that in my life. Like, she's lying. I want to experience that moment and those things. Jab hoga, whenever that flick happens, yeah. फिर आप बताएंगे हमें? नहीं. ठीक है. ठीक है. Okay, क्या क्या narration लगा आप दोनों को आप दोनों के किरदार के लिए इस season 2 के लिए? Sir, मैं honestly I trust my director. शगुन पांडे बनना है एक्चुअली रोहन भाई है जो शगुन है. थी और वी वर डूइंग समथिंग विद गुरु रंधावा एंड ही सॉ मी वंस एंड ही ट्रस्टेड मी सो मच. नेक्स्ट डे ही कॉल्स मी सेड आई वांट टू डू समथिंग विद यू एंड आई नो ही इज अ सिनेमैटिक डायरेक्टर. I know he's from his. And we have him here. I can see yeah, him yeah, right now. Sir's please right join here. Us. And sir, please, please sir, come. Please. Aajao, sir. Pradeep sir, you are coolest director, I would say. The loveliest director. Itna maza aaya inke saath shoot karne mein. Bilkul stressful nahi tha, but still we gave such a nice product. So I know he's coming from a background which is cinema, and anything that he's making is gonna be big. There was no compromise on budgets or costumes or the scripts. He trusted us with so much and I'm honestly telling you he let us, इन्होंने हमें perform करने दिया, इन्होंने बोला ये ऐसा ही करना है या ये ऐसा ही करना है and और because of him I can, मैं ये stamp paper पर लिख कर sign कर कर दे सकता हूँ कि अगर ये इंसान set पर था ना और किसी भी set पर हो there is a lot of love. There is love a love and too much creativity. Yeah. Like in the scenes, you can see the way he shot the film and you know the trailers and everything. I personally fell in love with the scenes. I also told him, sir, the other directors from my other shows are calling me, telling me, Alisha, who shot it? Like I saw the promo, I saw the trailer, and it's wow. Like kahan gaye ho tum shoot karne? Kaise kisne shoot kiya? There is a panel shot of Shimla, and you haven't seen Shimla like that, and it is different. That less duration of time and in that pandemic with those resources we had, the way he shot and make it huge and large and lovable, it was commendable. And you see, we were on sets, we were performing, और हम दो दिन जितने दिन सर वहाँ थे वो हमसे एक आध दिन पहले गए थे रेकी करने और हम लोग वहाँ पहुँचे and we were right there shooting with him. और जब हम वहाँ से निकले एंड वी सॉ द फर्स्ट कट हमें पता ही नहीं चला कि सर आपने ये बना दिया हमें मतलब वी वर डूइंग द सीन्स शिमला ऐसा दिख रहा है हमारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं दिस इज सो ही हैड एवरीथिंग दिस इज हाउ इन ब्लाइंड लव वन दिस इज हाउ ब्लाइंड लव वन में रोहन ऐसा दिखता होगा या नैना ऐसी होगी या ऐसी लोकेशंस होंगी या शिमला ऐसा होगा हमें ये सब विजन पता ही नहीं था. Yeah, so it's just and there is lot of love in which मुझे लगता है उसी की वजह से potentially वो translate होता है और फिर then we are crossing 1 crore views. तारीफ होगी आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ? तारीफ नहीं है ये fact है. ये सच्चाई है. This is the truth that you know everybody just sees a show with the faces of the show, but this is the captain of the ship. और I'm very lucky कि मेरे को ऐसे actor मिले और मेरा crew मेरे को मिला. एक्टर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. मतलब मैं इनके मुंह पे क्या, मैं इनके पीछे भी यही बात बोलूँगा कि मैं हर किसी से प्रे करूँगा कि मतलब जो भी डायरेक्टर हो एक एक्टर को लिबर्टी दे जो वो करना चाहता है, क्योंकि उनको पता होता है कैरेक्टर वो कैसे, क्योंकि एक डायरेक्टर कैन नरेट द स्टोरी कि भाई मैं ऐसे करना चाहता हूँ ऐसे, बट डायरेक्टर एक्टिंग नहीं कर सकता. तो वो एक्टर को एक लिबर्टी दे दो, वो उनको पता है कि उनको क्या करना है. आई एम वेरी लकी, टच वुड, आई एम वेरी लकी मेरे को ये दो मिले. एंड देन पार्ट 2 में सर के दो अनमोल रतन, एक शर्मा एक नैना. या एक्चुअली ये मेरे को इन्हें कभी मत खोना. सी ड्राइम्स सर, अब नेक्स्ट क्या बना रहे हो आप हमारे साथ? बहुत जल्दी कुछ प्लान करेंगे डूड. डन 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 सर, डन. ओके, लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे दर्शक को देखने? बहुत सारे बहुत बहुत प्यार से बनी है फिल्म, जैसे वन बनी थी हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे हाँ बहुत प्यार से बनी है और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम स्टैट्स पे इतना अच्छा करेंगे. बट आप लोगों का प्यार वो उसी तरह से आपका प्यार ट्रांसलेट हुआ है एंड आई होप ब्लाइंड लव 2 में यहाँ स्टोरी लेवल अप हुई है, यहाँ कैरेक्टर्स लेवल अप हुए हैं, देर इज़ अ ग्राफ टू द कैरेक्टर, सब कुछ बदल गया है, लोकेशन अलग है, लाइफ सबकी अलग होगी, देर इज़ अ ट्रांजिशन. सो ही इज़ डन इट अमेजिंगली वेल और आप लोग वो देखें और मतलब हमने रफ कट देखा है, हम खुद देखेंगे 17 सितंबर को एंड लेट्स सी उसके भी लास्ट में टू बी कंटिन्यूड आएगा. मैंने अगर आप लोगों ने 10 मिलियन जितनी जल्दी 10 मिलियन कर दिया
Then Mr. Pradeep can think of making a 3.0. And in the comment section of the trailer that is already released on YouTube, FNP ka jo channel hai, uske niche comment and tell, do you want to be continued to be written at the end of the part 2 of Blind Love? Or not? We'll request FNP Media, Vikas sir and Pradeep sir to try making 3.0 if we touch 10 million sir. Yes, sir. Let's see. Ab aapke upar hai. And guys, just comment and tell if you want to be continued. Thank you so much guys. Thank you. Okay, Pradeep ji, sabse pehle to season 2 ki agar baat kare to is baar kya lekar aa rahe hain? Season 2 audience ke liye aisa hai ki matlab agar kisi jisne part 1 dekhi hai uske liye excitement hai ki part 2 mein aisa kya hone wala hai aur kahani continue hai basically. But ज़्यादा reveal नहीं करूँगा कहानी को क्योंकि वो देखने का मजा निकल जाएगा because it's already short film और उसके और वो भी बता देंगे तो फिर short का short रहते हैं कुछ बचेगा ही नहीं तो इसके लिए मैं बताना नहीं चाहूँगा reveal नहीं करूँगा कहानी लेकिन हाँ है कुछ excitement है तो plot अच्छे तरीके से design किया गया है नई creativity के साथ पूरा ऐसे नहीं है कि कुछ भी part 1 बन गई हिट हो गया और part 2 चलाने के लिए बना रहे हैं ऐसा नहीं है प्रॉपर टाइम लेकर सोची गई है कि हाँ कुछ ऐसा घिसा पीटा स्टोरी ना हो या जबरदस्ती की बनाई गई हो ऐसा कुछ नहीं है इट्स अ गुड स्टोरी सी इट्स अभी मैं मेरी कहानी तो ऑब्वियसली मैं अच्छा ही नहीं क्योंकि चैलेंज एक्चुअली बढ़ जाता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो 10 मिलियन प्लस 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज एंड स्टिल काउंटिंग अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेस वो एक टेंशन वो एक प्रेशर हमेशा रहेगा कि अब अगला हम क्या लाएं अगला ऐसी कुछ भी ला दोगे ना तो इट वोंट वर्क पब्लिक आजकल वैसी आप हो मैं हूँ सब बना रहे हैं कुछ ना कुछ पैंडेमिक ने इतना सबको क्रिएटिवली साउंड कर दिया है ना कि हर कोई सब कुछ है सब जानता है कि पार्ट 2 बन रही है बिकॉज़ ऑफ पब्लिक ट्रू पब्लिक के रिस्पांस के वजह से पार्ट 2 बनी क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि भाई पार्ट 2 में ऐसा मतलब हमको आगे भी कहानी देखनी है अगर ये पार्ट 2 सिर्फ बिजनेस के लिए बनाना होता तो फिर मैं बोल सकता कि इट्स नॉट चैलेंजिंग टाइम वो तो हर 2 हफ्ते बाद एक स्टोरी डाल दो फिर हमारी पब्लिक इतनी स्मार्ट है हमारी पब्लिक इतनी स्मार्ट है यूट्यूब पे वो आधे से ज्यादा वो लोग कमेंट्स लिखते हैं तो वो कमेंट्स में उनका उनको क्या चाहिए वो उनका स्टोरी का वर्जन होता है एक्चुअली एंड इससे ये पता चलता है कि सिर्फ कोई अगर सपोज कोई ट्रोल भी कर रहा है ना आपको तो ट्रोल सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा वो अगर आप एक स्टोरी का वर्जन दे रहे हो तो मतलब यू नो यू आर डेडिकेटेडली पूरा उसमें हो कि यार ऐसा नहीं ऐसा ये क्यों हुआ हाँ इसने ऐसा कर दिया क्योंकि इसने ऐसे किया मतलब दे आर लाइक एंजॉयिंग इट तभी वो भी हमारे साथ एक पार्ट ऑफ मेकर स्ट्रीम में आ गए हैं एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इन ना अच्छा सबसे बेस्ट चीज क्या लगा कि पब्लिक ने इट्स लाइक ऑडियंस ने मुझे एक टैगलाइन दिया अबाउट द ब्लाइंड लव दे सेड नैना रोहन की कहानी ये हमने सोचा ही नहीं था मतलब हमने तो पार्ट 1 बनाई लाइक हमने सोचा नहीं था तो नैना और रोहन की कहानी थी सो दे मेड इट कि नैना और रोहन की कहानी हैशटैग उन लोगों ने इतना ट्विटर पे ट्रेन कर दिया था कि लोग पूछने लगे व्हाट इज दिस ये क्या है क्या अब उन लोग ने इन सेकेंड नाम दे दिया है हैशटैग दिया है कि नैना रोहन और वो क्वेश्चन मार्क सो वो इज बेसिकली विशाल तो ये ऑडियंस है वो उनको जो अच्छा लगेगा आप उनको ना उनको पे करके आप जबरदस्ती बोल नहीं सकते हो कितनी बार कराओगे तो ऑर्गेनिकली एक्चुअली फर्स्ट पार्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड सेकंड का प्लॉट हमने बहुत अच्छी तरह पूरी टीम ने डिजाइन किया है हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है एज आर्टिस्ट स्टोरी लाने का हमने सबके साथ डिस्कस किया इट्स लाइक जैसे रिव्यू लेने के लिए मैंने बनाने से पहले पार्ट टू बनाने से पहले मैंने स्टोरी हर किसी से शेयर की कि क्या लग रहा है ये कहानी ऐसे जाएगी सो तीन ड्राफ्ट के बाद चौथी ड्राफ्ट में लोगों ने बोला कि नहीं ये लग रहा है पार्ट टू है और ये कहानी कंटिन्यू जा रही है सो इट्स लाइक ओपिनियन सबका होना चाहिए अच्छा और सबसे मिलके जुलके ही बनती है चीजें तो आई बिलीव इन द टीम वर्क बेसिकली फर्स्ट कहानी की अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि आपने सबको कहानी सुनाई अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो किस तरीके से शुरुआत हुई ब्लाइंड जैसे कि सबको पता है कि राम गोपाल वर्मा नोन बाय गैंगस्टर मूवी एंड डार्क मूवी हॉरर फिल्म्स ये वो तो मैं उनके कैंप का होकर एक लव स्टोरी फिल्म बना रहा तो एक थोड़ा सा अलग है तो मैं जब उनके साथ में काम कर रहा था तब मैं ये कहानी लिख रहा था तो मैंने बोला कि एक ब्लाइंड गर्ल के ऊपर कहानी बनानी है तो मेरे को एक बनाना था क्योंकि मैं किसी एक ऐसी लड़की से मिला था जो ब्लाइंड थी और उसने मुझे अपनी कुछ कहानी बताई कि लाइक उसकी रियल कहानी सो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला यार काश मैं ना इस पर फिल्म बनाऊँ तो आई स्टार्टेड राइटिंग तो मैंने फिल्म लिखनी चालू की एंड उतने में ही पता चला कि काबिल आ गई
काबिल आ गए तो आई कि यार क्या नया है लाइक exactly, हाँ ब्लाइंड पे तो फिल्म आ गई तो और ऐसा नहीं है कि काबिल इज द फर्स्ट फिल्म जो ब्लाइंड पे आई उससे पहले भी बन चुकी है फिल्में तो मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया मैंने बोला नहीं नहीं बनाना है तो ड्रॉप कर दिया एंड सडनली एक दिन मीटिंग्स होती रहती है तो आई मेट विकास गुरगुटिया उनको मिलने के बाद में उन्होंने उनकी वो फिल्म की कहानी वो एक फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना फर्स्ट स्टेप लेकर आ रहे थे Ferns and Petals तो FNP मीडिया हो गया वो सो उन्होंने बोला प्रदीप आई हर्ड अबाउट यू एंड मेरे को फिल्म नहीं बनानी है मेरे को फीचर फिल्म नहीं बनानी है आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो छोटे से शुरुआत करनी है तो मेरे को ना शॉर्ट फिल्म बनानी है तो तुम्हारे पास शॉर्ट फिल्म की कुछ कहानी है तो मेरे को बताओ तो मैंने बोला सर शॉर्ट फिल्म की कहानी मैंने बोला सर पता नहीं लेकिन मैं ये कहानी मेरे पास एक है और मेरे को लगता है इसको बनानी चाहिए आप एक बार सुन लो अच्छी लगी तो वर्क कर लेंगे और देन मैंने उनको ये ब्लाइंड लव की कहानी बताई और जैसे ही कहानी बताया मैंने और उनका ये उनका वर्ड था कि लाइक कल से तैयारी करो इसकी ये करते मैंने बोला सर वेट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो ये फिल्म है मैं इसको चॉप करके मैं इसको शॉर्ट फिल्म में लाऊंगा तो क्या कटेगी कैसे बनेगी ये सब चीज़ें थी तो बोले नहीं टाइम ले लो उन्होंने अपने जो क्रिएटिव हेड्स हैं अहमद उनको बुलाया और उनको कि अहमद इनसे मिलो इनसे बात करो इनको साइन करो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो सुनाया है मेरे को कहानी उसके लिए इनको लॉक करो और मेरे को बोला प्रदीप ये कहानी अब तुम किधर और नहीं सुनाओगे सो शुरुआत ऐसी हुई है देन हम लोग ने साइनिंग मीनिंग अमाउंट हमारी साइनिंग हुई एंड ऑल फिर मैंने 2 महीने लिए ब्लाइंड लव 1 बनाने के लिए 2 महीने में मैंने 1 महीना प्रॉपर प्री प्रोडक्शन किया मैंने कास्टिंग ऑडिशंस लिए क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट गर्ल का कैरेक्टर था तो मेरे को ऐसी कोई लड़की चाहिए थी जो वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाए अच्छे से तो मैंने कम से कम 10 लोगों को मिल चुका हूँ क्योंकि हर किसी से मिलना नहीं था इट्स नॉट कि नॉर्मल ऑडिशन है कि 2000 लोगों का ऑडिशन ले रहे इट्स सब फेक है लोग झूठ बोलते हैं ऐसा कभी होता नहीं मैंने गिन के 10 ऑडिशन लिए और 10 ऑडिशन में मेरे को कोई एक ऐसा हुक नहीं मिल रहा था कि यार कि कौन करेगा एंड देन आई वेंट कश्मीर में शूट पे और मैं कश्मीर में एक प्रोजेक्ट की शूट कर रहा था एंड देयर आई मेट शगुन तो शगुन को मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने बोला ये हो सकता है मेरे शॉर्ट फिल्म का कैरेक्टर है रोहन मतलब हैप्पी फेस और तो मैंने उसको बोला कि एक प्रोजेक्ट करेगा मेरे साथ तो ही सेड यस भाई बता देना तो मैंने बोला बॉम्बे में मिलते हैं एंड देन वी डिस्कस एंड बॉम्बे आने के बाद में हम लोग मिले कॉफ़ी पे एंड देन मैं उसको नरेट करने की कोशिश कर रहा था कि शगुन ऐसे ऐसे स्टोरी तो बोला सर बस आपने बोल दिया मैं कर रहा हूँ मैंने बोला अरे सुन तो ले कहानी क्या है नहीं बोला सर बस आपने बोल दिया है ना आई वॉन्टेड टू डू दिस प्रोजेक्ट एंड वैसे शगुन की एंट्री हो गई एंड फिर एक दिन ऐसे ही मतलब हम लोग ऐसे 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है तो अलीशा मैट देर तो अलीशा को मैंने बोला कि अलीशा को देखा मैंने एंड अलीशा नो की एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो मैंने अलीशा को देखा अलीशा को मैंने पूछा अलीशा आर यू इंटरेस्टेड टू डू शॉर्ट फिल्म क्योंकि अलीशा ऑलरेडी बड़े बड़े शो कर चुकी थी और उसने ब्रेक लिया था अलीशा ने ब्रेक लिया था सीरियल से कुछ टाइम के लिए बहुत बड़े बड़े शो किए उसने तो ब्रेक लिया था तो मेरे लिए वो था कि अलीशा को पिच करना कि लाइक एक शॉर्ट फिल्म के लिए तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि अलीशा आर यू वॉन्टेड टू डू शॉर्ट फिल्म तो बोली यार आई डोंट माइंड अगर स्टोरी अच्छी है तो मैंने बोला सी तो उस जगह पे खड़े खड़े आई जस्ट नरेटेड ऑनलाइन कि ये कहानी है शीर्षक की सर मैं कर रही हूँ एंड उसके 15 दिन के बाद मैंने शूट प्लान कर लिया ऐसे हुई हमारी ब्लाइंड लव की जर्नी एंड विशाल इज बेसिकली विशाल इज माई वेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड मतलब हम लोग एक्चुअली जिम बड़ी है हम लोग जिम में मिले थे फर्स्ट टाइम और वी नो ईच अदर तुम लोग काफी 9 साल हो गए मुझे मुंबई तब से जब विशाल बॉम्बे आया था फर्स्ट टाइम दिल्ली से एंड देन आई थिंक विशाल के बहुत सारे फ्रेंड हो गए लेकिन मैं एक वैसा फ्रेंड था कि हम लोग हमारी बातें जिम के बाद भी हमारी बातें होती थी तो हम लोग काफ़ी स्टोरीज वगैरह शेयर आपस में एक दूसरे का विजन लेकर छोटी छोटी चीज़ें चाहे वो एक बाइट हो या पूरी फिल्म हो कुछ ना कुछ डिस्कस हमेशा करते ही रहते हैं ऐसी दिक्कत नहीं अब ये वाला भी जब प्रोजेक्ट था तो इन्होंने बताया था आई वाज लाइक कि ठीक है शॉर्ट फिल्म है चलो अच्छा है, करो देखते हैं ऐसे करके थिंग्स गॉट स्टार्टेड एंड एक बार जब सब कुछ हो गया न्यू कि ये लोग शूट पे कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ डन जब हो गया तो मैंने एक बार बस फ़ोन ही करा था मैंने कहा 1 करोड़ व्यू हो गए ऐसे करके बात की इन्होंने सीधा कहा कि अच्छा ठीक है और जब मैंने बात की तो वही कि परसों मैं शिमला में हूँ ऑलरेडी परसों शिमला आ जाए ये टिकट आ रही है मैंने कहा मैं
हनी पिक्चर अगली वाली पार्ट है वो तेरे से शुरू करते हैं, बस इतना ही बताया ना, वॉज एट द एयरपोर्ट सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है। उधर पहुंचे, देखा रैकी का इन्होंने जो इनका था माहौल, वो सब करते करते उन्होंने तब मेरे को स्टोरी बताई, लेकिन तब भी सस्पेंस नहीं खोला, जो अभी भी नहीं खोलेंगे, ये नहीं बताया क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे मेरा पार्ट जरूर समझा दिया और ओवरऑल स्टोरी की डिस्क्रिप्शन जरूर मिल गई। तो मैंने कहा ठीक है। अब प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टोरी ऐसे नहीं बनाई गई कि फर्स्ट को खींचा, वही जो अभी हमने कहा, इट्स लाइक कि एक प्लॉट बहुत अच्छी तरीके से निकाला गया है एंड स्टार्टेड विद अ न्यू एंट्री ऑफ माइंड, और करते दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली कनेक्टेड रहेगी क्योंकि एक सीक्वल चल रहा है, लेकिन हाँ एक प्लॉट, एक जर्नी अलग तरीके से चल रही है, बस ये आई वुड से। और लोकेशन काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर की गई है। आई थॉट कि शिमला है, चलो मेरी तो छुट्टी हो जाएगा, चलते हैं, आउटडोर है, दो तीन दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए जाना है पैंडेमिक। और मैं मतलब ये लाइक पूरी टीम एक्चुअली हमारी वाज गुड, वी नेवर वेटेड कि कोई एडी आएगा, कुछ आएगा, शिमला घूमने ही नहीं दिया बेसिकली, मेरा था कि ठीक है इनको इतना टाइम चाहिए, हर रोज मेरे को आधा आधा दिन फ्री टाइम मिलेगा, मतलब 8-9 साल से हम लोग एक दूसरे को इतने जानते हैं, तो ही नो कि प्रदीप को क्या चाहिए, मतलब क्या थॉट प्रोसेस। जब तक मेरी शूट शुरू नहीं हुई तो हमारे दोनों लड़का लड़की शगुन और अलीशा देवा थिंकिंग कि मैं एडी की तरह ही शायद आया हूँ, ये काम करा रहे, अच्छा ये ठीक है, बढ़िया कपड़े पहनने वाला लड़का सही है इनका, ओके वो ऐसे ऐसे करते हैं। फिर साथ में मैंने कहा नहीं यार, मैं एक्टर ही हूँ, वो तो अपना खुद का प्रोजेक्ट है बस वैसी वाली बात है। बट इट वॉज फन, इट वॉज फन। पॉइंट क्या है ना, विशाल इंजीनियर बैकग्राउंड से है, मतलब एक्टिंग से पहले ही वो इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के केम बॉम्बे एक्टर की जर्नी स्टार्ट की। सो विशाल के पास वो एक प्लस पॉइंट है कि आप विशाल को साथ मैं जब भी कुछ भी शेयर करता हूँ तो ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, इट्स नॉट लाइक ए एक्टर कि यार ऐसा होगा वैसा होगा ये करके नहीं है। तो ये हमेशा विशाल के साथ मैं इसके लिए शायद इतना शेयर करता हूँ, लाइक मेरे विशाल की वॉइस इतनी अच्छी है तो मेरे को कभी वॉइस ओवर बनानी होती है, तो मैंने एक अभी गैंगस्टर के ऊपर एक वेब सीरीज की प्लान चल रही थी, तो आई मेड अ वॉइस ओवर, तो आई स्टार्टेड विशाल प्रोमो उसका प्रोमो की तरह, तो इसलिए वी आर लाइक कनेक्टेड, हम काफी काम प्रोजेक्ट्स अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एंड इट केम गुड, एंड अच्छा रोल इन्होंने स्पेशली ही गेव कि ये वाला रोल तू कर, तो चलो फिर पूछना गया, चलो करते। तो ऐसे मतलब इनकी पार्ट वन, मेरे साथ पार्ट टू, ऐसे वी गॉट स्टार्टेड। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शक देखने हैं? जिस तरह से यार सपोर्ट सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने पार्ट वन को दिया है, इतने व्यूज, इतना लव, इतना सपोर्ट, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रेशर जितना ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ब्लाइंड लव 2 ब्लाइंड लव 1 से वाओ होगा, तो हम इट्स सेम फीलिंग लाइक हम भी आप लोगों से उतना ही करते हैं, आप लोग से वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लाइंड लव को आपने जितना प्यार दिया, मैं चाहता हूं कि ब्लाइंड लव 2 को भी उतना प्यार मिले 1 से और ज्यादा। मैं हर उस इंसान से कहूंगा जिसने ब्लाइंड लव 1 देखी है, प्लीज, मैं किसी नए को नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जाकर देखो, नहीं वो भी देखें, वो दोनों पार्ट देखें, मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों ने ब्लाइंड लव 1 देखी है प्लीज ब्लाइंड लव 2 देखना, आपको पूरी एक फिल्म मिल जाएगी। एक्चुअली वो ग्रैंड स्केल, नई एंट्री, नए आर्टिस्ट साथ में, एंड यू नो मोर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, एक शिमला को नए तरीके से दिखाना, शिमला के आउटस्कर्ट्स को दिखाना, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की गई है कि एक 2-2.5 घंटे के फुल फ्लेजेड चीज़ को आधे घंटे के में अच्छे से कवर किया जाए। बाकी थैंक यू थैंक यू।